जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो कर्ज़े के ऊपर है। कर्ज़ा बहुत हो गया है, धन का आगमन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर। उसके लिए मैं एक उपाय लेकर के आई हूँ शनिवार का, क्योंकि इस समय जो है शनि वक्री हुए हुए हैं। शनि न्यायप्रिय है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। तो इस समय हमें शनि को मनाना है, शनि महाराज को मनाना है और पीपल देवता की पूजा करनी है। शनिवार वाले दिन और सैटरडे होना चाहिए, तीन सैटरडे आपने करना है। एक उड़द की दाल का पापड़ लेना है, उसके ऊपर दो केले रखने हैं और हनुमान जी वाला सिंदूर रखना है और उसके ऊपर आपने काले तिल रखने हैं और आटे के तेल का दीपक बनाना है, चौमुखा बना लीजिएगा। और उसको पीपल के शाम के समय, जब दोनों समय मिलते हैं उस समय आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के वहाँ पर ये रखना है। और जब दीपक जलाना है उससे पहले आपने प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी कर्जा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और कोई मार्गदर्शन मिले, मेरे घर के अंदर धन का आगमन हो। आपने वो जो दीपक बनाया है उसको जला दीजिएगा। जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके आप घर वापस आ जाइएगा। साथ ही आपने 11 बारी दशरथ रचित शनि स्त्रोत, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन लीजिए, उसके अंदर बहुत 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 पावर है। आप ये सुनेंगे तो कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज निकलने शुरू हो जाएंगे जिससे आपका कर्ज़ के अंदर आप फंसे हुए हैं, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राम।